मलेशिया के शहर ईपोह में जारी सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम अपने चौथे मैच में दिफाई चैंपियन साउथ कोरिया के मद्दे मुकाबिल होगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम ने मलेशिया और जापान के खिलाफ मैचेस ड्रॉ खेले। जापान के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम ने मैच के 70वें मिनट में बर्तरी हासिल की। सुफियान मोहम्मद खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। 19वें मिनट में सुफियान मोहम्मद खान ने एक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करते हुए पाकिस्तान का स्कोर 2-0 कर दिया। ताहम पाकिस्तानी टीम यह बर्तरी बरकरार न रख सकी। जापान की टीम ने 43वें और 55वें मिनट में गोल स्कोर किए। यूं यह मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। दीगर मैचेस में मिस्र और साउथ कोरिया का मैच 0-0 से बराबर रहा। साउथ अफ्रीका और मलेशिया के दरमियान मैच सिर्फ 14 मिनट जारी रह सका। शदीद बारिश के बाइस मैच रोकना पड़ा। साउथ अफ्रीका को 0 के मुकाबले में 1 गोल से बर्तरी हासिल है। बारिश से मुतासर ये मैच अगले दिन मुकम्मल किया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो साउथ कोरिया की टीम बदस्तूर पहले नंबर पर है। साउथ कोरिया की टीम ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। साउथ कोरिया के 7 पॉइंट्स हैं। साउथ कोरिया की टीम अब तक 4 गोल्स कर चुकी है जबकि उनके खिलाफ कोई गोल स्कोर नहीं हुआ। पाकिस्तानी टीम पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर 5वें नंबर पर है। पाकिस्तानी टीम ने 3 मैचेस खेले हैं, अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी। 2 मैचेस ड्रॉ रहे जबकि 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम के 2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तानी टीम ने 4 गोल्स किए हैं जबकि पाकिस्तान के खिलाफ 7 गोल्स हुए हैं। अब पाकिस्तानी हॉकी टीम का मुकाबला साउथ कोरिया से है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मुरतब करदा स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान और साउथ कोरिया की टीमों के दरमियान होने वाले गुज़श्ता 5 में से 2 मैचेस में पाकिस्तानी टीम फाते रही। साउथ कोरिया की टीम ने 1 मैच जीता जबकि 2 मैचेस ड्रॉ रहे। गुज़श्ता 5 मैचेस में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने साउथ कोरिया के खिलाफ 18 गोल्स किए हैं जबकि साउथ कोरियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ इन 5 मैचेस में 14 गोल्स किए। 2017 में ढाका में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान और साउथ कोरिया का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी एशिया कप में तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए साउथ कोरिया को 3-3 में 6 गोल से शिकस्त दी। 2018 में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में खेले गए मैच में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने कोरिया की टीम को 1-3 में 3 गोल से शिकस्त दी। 2021 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ही के मैच में पाकिस्तान और साउथ कोरिया का मैच 3-3 से बराबर रहा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के 2021 के सेमीफाइनल में एक बार फिर दोनों टीमों का ढाका में आमना सामना हुआ। ये मैच साउथ कोरिया की टीम ने 5-1 में 6 गोल से जीत लिया।